महादलित युवती के साथ रूह कंपा देने वाली घटना को सरकार सीबीआई से कराया जांच, जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी दी जाए सजा। पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी। गया 30 सितंबर आरजेडी के विधायकों ने आज गया जिले के चंदौती स्थित एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी, गुरुआ विधायक विनय कुमार यादव, मखदुमपुर विधायक सतीश दास एवं मशौड़ी विधायिका रेखा पासवान, बागी वर्मा, जिला अध्यक्ष मुर्शीद आलम उर्फ निजाम खान, जुगनू यादव सहित कई आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने कहा कि पिछले 21 सितंबर को गुरुआ विधानसभा के रामा बिगहा गाँव में एक घटना घटी थी। एक दलित युवती के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। आज उसी संदर्भ में आरजेडी की एक टीम मृतक युवती के घर गई थी, जो वहाँ हम लोगों ने देखा कि दर्दनाक हृदय विनाशक घटना घटी। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के कारण हम लोग मर्माहत हैं। देश में एक घटना के है के लिए दो कानून है। निर्भया हत्याकांड होती है तो पूरा देश हिलता है, लेकिन आज जो महादलित लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या हुआ, सब लोगों के मुँह पर ताला लगा है। आज उसी की उजागर करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि लड़की को एक स्टूडियो में बुलाया गया, घटना घटी, सर्वविदित है। उन्होंने यह भी कहा कि लड़की के भाई से हम लोगों से बात हुई, उसके भाई ने बताया कि मेरी बहन दो लड़की के साथ गई थी, एक लड़की अपने घर आ जाती है और दूसरे के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद हत्या कर दिया गया और लाश को लाकर घर में फेंक दिया गया। प्रशासन बिल्कुल विफल है, दोषियों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। जो अभी वर्तमान में थाना में पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, उनके द्वारा निष्पक्ष जाँच की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर छोड़ा है, वे सब दोषी हैं, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए, उन सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय प्रशासन से जांच नहीं कराया जाए, किसी दूसरे आईपीएस पदाधिकारी और अधिकारी से इसकी जाँच कराई जाए, जिससे उस परिवार को न्याय मिल सके और फिर इस तरह की घटना किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो। लड़की का इलाज भी प्रॉपर अस्पताल में नहीं कराया गया है, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। लड़की के भाई ने बताया कि लड़की के कपड़े गीले थे, बलात्कार के बाद कपड़ा बदला हुआ था, इसकी भी जांच होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग किया कि पीड़ित परिवार उसे मुआवजा दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए, मां और पिता को वृद्धा पेंशन दिया जाए, सरकार की ओर से कानून से लड़ने के लिए कानूनी सहायता दी जाए। आर के निराला की रिपोर्ट। गया क्या कहना चाहिए? देखिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, एक भ्रष्टाचारियों की और दूसरा बलात्कारियों की, यही इनका डबल इंजन है। और पूरे बिहार में भ्रष्टाचारी और बलात्कारी हावी है। निर्भया एक्ट देश में बना, लेकिन बिहार में कहीं एक्ट दिखता नहीं है। और सरकार के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का, सरकार संरक्षित मुजफ्फरपुर बालिका गृह में किस तरीके का घटना घटा, इसी गया में माँ बेटी के साथ में किस तरीके का घटना, उससे भी दर्दनाक घटना गुरुआ के बर्मा पंचायत के रामा बिघा की घटना है। लक्ष्मी दास जी की बेटी जो जूता सीसी करके इंटर तक के उसको पहुंचाए थे और ट्यूशन करने के लिए भेजते थे जूते की मजदूरी से, उसके साथ किस तरीके से स्टूडियो में, और अगर सही से जांच की जाए तो मुझे अंदेशा है कि उस स्टूडियो में उस लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। स्टूडियो में ले जाने का क्या मतलब है? सात लोग को पुलिस उठाती है, दो लोग को जेल भेजती है और पांच लोग को क्यों छोड़ देती है, जबकि वो नेम्ड है। तो पूरी तरीका से बलात्कारियों का, भ्रष्टाचारियों का मेल है, और ये जो थाना प्रभारी है उनका पूरा भूमिका संदिग्ध है, और इस थाना प्रभारी को अविलंब वहाँ से हटाया जाए। और सही हमारे नेता ने कहा है कि जिले के दूसरे जगह के बड़े पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। एसपी से बात कीजिएगा तो दूसरी बात बोलते हैं, थाना प्रभारी से बात कीजिएगा तो दूसरी बात बोलते हैं, और पीड़ित का परिवार जो बात बोलना चाहते हैं उस बात को लिखने के लिए और उस बात पे एक्शन लेने के लिए तैयार है। पूरा लीपापोती चल रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी के निर्देश पे जगदा बाबू हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कमेटी बनाई है, और हम कमेटी की रिपोर्ट सौंपेंगे, और ज़रूरत पड़ा तो हम लोग, अगर न्याय नहीं मिला पीड़ित परिवार को, तो आने वाला दिन में और भी बड़ी लड़ाई होगी। जो गुरुआ प्रखंड में गुरुआ बाजार में है, वो 21 सितंबर के
लगभग संध्या का यह घटना है। सर विदित है कि घटना वहाँ पे जो घटी है वो बहुत निंदनीय है और जितना भी उसको निंदा किया जाए वो कम है, लेकिन वह जो घटना घटी उसके लिए हमारे भाई नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और वहाँ से कमेटी गठन करके लोगों को भेजे हैं, जिसमें हमारे बड़े नेता उदयनारायण चौधरी सर और माननीय सभी विधायक जी लोग आए हैं, जिला अध्यक्ष जी, सब लोग वहाँ जाके जो वहाँ की घटना थी उसकी ताज़ा जानकारी पूरे जानकारी उपलब्ध कराएं और इसी के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी बताए। तो हम भी अपने गुरुआ विधानसभा की ओर से यह मांग करना चाहता हूँ, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा मिले और सरकार उसकी निष्पक्ष जाँच कराए और जो लोग दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और निर्दोष लोग को इसमें नहीं फंसाया जाए। जो भी अगर दोषी हैं उसकी कड़ी से कड़ी सजा हो और उसको निष्पक्ष तरीके से जांच करा के सर्वविदित यह जो घटना है तो बहुत निंदनीय है और ये नीतीश जी के शासन में तो आप लोग जानते ही हैं कि भ्रष्टाचार बलात्कार लूट यह सरकार नहीं बल्कि यह तो यह सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है और जनता का चुना हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, ये चुनाव आयोग के द्वारा बैठा दिए गए हैं और ज़बरदस्ती हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं और इनसे बिहार चल नहीं रही है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो और जो भाई पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए 25 लाख रुपये की मुआवजा की मांग करता हूँ। पिछले 21 सितंबर ब्लॉक के रामा भिया गांव में एक घटना घटी जिसमें एक लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या की, उसी के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें हम सभी विधायक जो बैठे हैं, जो गुरुआ के स्थानीय विधायक विनय कुमार यादव, बगल के श्री सतीश कुमार जो सतीश दास जी, सुदय यादव जी और रेखा पासवान जी मसौढ़ी के राष्ट्रीय जनता दल की विधायिका हैं, ये सब लोग राष्ट्रीय जनता दल के ओर से जिलाध्यक्ष निजाम साहब हैं, जिला के जो युवा राजद के अध्यक्ष हैं प्रवीण जी भी हैं, महासचिव सुभाष यादव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र गोप जी हैं, सब लोग जिसमें एक टीम गई थी जो प्रदेश अध्यक्ष ने सब लोगों से मिल रहे थे। जो कुछ भी हम लोगों ने देखा वहाँ बहुत ही दर्दनाक और एकदम हृदय विदारक घटना घटी। इस घटना के कारण हम सब लोग मर्माहत जो देखकर, इसलिए कि देश में एक ही घटना के लिए दो कारण, निर्भया हत्याकांड होती है तो पूरा देश हिलता है, लेकिन आज जो कुसुम नाम की लड़की का बलात्कार के बाद हत्या होता है तो सब लोग के मुंह में ताला लगा हुआ दिखाई पड़ता है। उसी के उजागर के लिए हम लोग यहाँ आए। लड़की को एक स्टूडियो में बुलाया गया, स्टूडियो में जो घटना घटी वो सर्वविदित है, उसके भाई से बात हुई हम लोगों की। उसके भाई ने कहा कि हमारी बहन को दो लड़की के साथ वहाँ गई थी, वहाँ बलात्कार किया गया उसके साथ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, उसकी माँ को बुलाया गया, घर में ला के उसके लाश को फेंका गया, ये सब कार्रवाई। तो हम लोगों का जो एक ऑब्जर्वेशन हुआ वहाँ से लौटने के बाद कि प्रशासन पूर्ण रूप से शिथिल है, दोषी लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, निष्क्रिय है और ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जो वर्तमान लोग हैं वहाँ थाना में उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती, ये भी प्रतीत होता है। इसलिए हम सब लोगों का मांग है कि जो भी उसके दोषी हैं उन सभी दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जो प्रशासन के लोग हैं वरीय पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाए
स्थानीय प्रशासन से नहीं जांच करा करके किसी दूसरे आईपीएस पदाधिकारी से इसकी जांच कराई जाए, जिससे कि न्याय मिल सके उस परिवार को, और फिर इस तरह की घटना किसी दूसरे लड़की के साथ ना हो। जो इलाज किया गया है उसका, वो इलाज भी के नाम पर कोई प्रॉपर जगह पर उसका इलाज नहीं हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उसके कपड़े, उसके भाई ने बताया कि उसका कपड़ा गीला था, कपड़ा बदला हुआ था, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि बलात्कार के बाद उसके कपड़े बदल दिए गए, ये सब। और इसी के लिए और हम लोग मांग कर रहे, अच्छा उससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात और है कि उसके दो भाई और दो बहन, उसके पिता काम करते थे लुधियाना, भाई पिछले कोरोना के दरमियान उसकी मृत्यु हो गई वहीं लुधियाना में मृत्यु, एक बहन की भी मृत्यु हुई। अब एक भाई छोटा बचा है उसका और एक छोटी बहन बची। उसके पिता अभी लौट के आए हैं वहाँ से, तो बेरोजगारी के कारण, भूख के कारण, गरीबी के कारण उसके भाई और बाप कमाने के लिए प्रवासी मजदूर के रूप में लुधियाना थे। राज्य सरकार उनको रोजगार देने भी सक्षम नहीं रही, इसके कारण उसको जाना पड़ा और वहाँ से कमा करके अपनी बेटी को पढ़ा रहा था, जिसकी हत्या हो गई बलात्कार के बाद। ये अत्यंत ही दर्दनाक, तो बलात्कारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त जो धारा है सीआरपीसी आईपीसी की उस पर लगाई जाए। पीड़ित परिवार में उसको सरकार मुआवजा दे, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिलनी चाहिए, उसकी माँ को और बाप को बिलावस्था पेंशन भी मिलना चाहिए, और उसको कानूनी सहायता, कानून से लड़ने के लिए कानूनी सहायता राज्य सरकार के द्वारा उसको देना चाहिए। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के शासन में को कहा जाता है कि भय दिखाए उसका नाम लेके सिहर जाता है। आज राष्ट्रीय जनता दल में कौन लोग हैं याद कीजिए, और राष्ट्र जनता दल में कौन लोग हैं, दोनों का मैं बता रहा हूं। सत्ताधारी दल में आज वही लोग हैं जिनका समाज पर कब्जा था। आप उत्तर से, पूरब से, दक्षिण से, चारों ओर दौर देख लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल को तो इसलिए बदनाम किया, लालू प्रसाद जी को इसलिए बदनाम किया गया कि वो गरीबों को आवाज देने का काम किया। बदनाम इसलिए किया गया कि लोगों के खिलाफ उठ के खड़ा होने के लिए, अपनी हक और अधिकार के लिए। तो मीडिया के लोगों ने भी उसको बदनाम करने का कोशिश किया, सरकार ने बदनाम करने की कोशिश की, और एक से एक घटनाओं पर घटी। और आज क्या हो रहा है मैं पूछना चाहता हूँ। हर महीने में, छोड़ दीजिए हमारी बात, जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है वो क्या कहता है, दोनों समय का बता लीजिए। लूट, हत्या, अपहरण, डकैती आज जितना हो रहा है बिहार में, उतना कभी भी बिहार में नहीं हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सेंट्रल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की जो किताब है वो किताब कहती है पुलिस की। हम लोग तो क्या बोलेंगे उसके बारे में, लेकिन तब भी मीडिया के आंख में छाले पड़े हैं, उनको वो दिखाई नहीं देगा। वो दिखाई देता लालू प्रसाद, जिस लालू प्रसाद ने लोगों को जुबान दिया, ताकत दिया, आवाज दिया। और आज कौन लोग थे उस समय में सक्रिय, आज कौन लोग सक्रिय हैं? एक भी व्यवसायी क्या चैन से सो रहा है क्या? कोई ऐसा दिन है क्या जिस दिन व्यवसायियों की हत्या नहीं हो रही है? अब तो न्यूज को भी छिपाया जा रहा है, न्यूज कहीं छप नहीं रही है, जिले स्तर पर लोगों को दिखाया जा रहा है। यही घटना कितनी दर्दनाक है, एक दिन एक कॉलम में छाप के छोड़ दिया गया। लेकिन यही अगर राजद के शासनकाल की बात होती तो फिर राजद को बदनाम किया जाता है।